असम में ही नहीं पूरे देश में होगा लागू। नमस्कार, न्यूज़ फॉर भारत में आपका स्वागत है, मैं खुशबू। असम में जहां राष्ट्रीय नागरिक पंजी को पूर्ण रूप से लागू करने की तैयारी अपने एडवांस स्टेज में, वहीं देश भर में अवैध प्रवासियों की पहचान कर बाहर निकालने की तैयारी में गृह मंत्रालय जुटा हुआ है। केंद्र सरकार ने 30 मई को फॉरिजनर्स ट्रिब्यूनल आदेश 1964 में संशोधन कर NCR से आगे की राह बना दी। संशोधन के आदेश से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों का पहचान करने के लिए ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर राज्य सरकारों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी सशक्त हुए। आपको बता दें कि अब तक केवल केंद्र के पास ही इस तरह के ट्रिब्यूनल को गठन करने का अधिकार था, जो केवल असम में अर्ध न्यायिक निकाय के तौर पर था। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत असम में NRC की प्रक्रिया पर देश भर की नजरें टिकी है, क्योंकि इसकी अंतिम सूची जारी होते ही कई लाख लोग राज्यविहीन हो जाएंगे। असम में पहली बार 1951 में NRC का गठन हुआ। 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश में राज्य से आए प्रवासियों व भारतीय नागरिक को अलग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इसे अपडेट किया गया। आपको बता दें कि न केवल असम बल्कि देश भर में NRC लागू करने पर जोर देते हुए राज्यसभा में मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों को सरकार देश के हर कोने से निकाल बाहर करेगी। कोर्ट ने केंद्र व असम सरकार से 31 जुलाई तक NRC के तहत अंतिम सूची प्रकाशित करने को कहा था, लेकिन इसके लिए दोनों ही ओर से अतिरिक्त समय की मांग की गई ताकि दोबारा वेरिफिकेशन किया जा सके। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा था कि NRC को अंतिम रूप देने में कुछ देरी हो सकती है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि अवैध प्रवासी रह जाए और वास्तविक नागरिक को निकाला जाए। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद। We'll be right back.